हेलो एवरीवन, टैलेंट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। सो देखते हैं कलेक्टिव एनर्जीज क्या चल रही हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है और आपके पर्सन की आज के दिन में एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ पेज ऑफ अर्थ। देन वी हैव टू ऑफ वाटर, यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का आज के दिन में यूनियन हो सकता है या रिसेंटली हुआ है। द एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और वी हैव द ड्रीमर, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से कई लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और सडनली उनका मैसेज आपको आ जाएगा, आपको कॉल आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी रीयूनाइटेड हैं तो आपको बहुत जल्द आपके पर्सन किसी तरह का कमिटमेंट देने के लिए बोल चुके हैं, जिसको सोच सोच कर आप बहुत खुश हो रहे हैं। एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है। जो लोग रीयूनियन में नहीं हैं वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आप एम्परर एनर्जी में भी आज हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप लॉजिक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा आप स्टबर्न रह सकते हैं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उनको नहीं देखना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपना काम करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, थोड़ा सा केयर फ्री होने की कोशिश करेंगे। तो ओवर एंड ऑल आज की एनर्जी ये है। लेकिन आप में से आज के दिन में काफ़ी लोगों ने अपने पर्सन को ड्रीम में देखा है या कोई बहुत ही पॉजिटिव ड्रीम देखा है, ये भी यहाँ से नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की क्या हालचाल है? टेन ऑफ वाटर, आपके पर्सन भी कम्प्लीशन चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही ये भी चाहते हैं। टेन ऑफ वाटर की एनर्जी है, कम्प्लीशन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, प्रॉपर एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर अगर कमिटमेंट से पीछे हट रहे थे, भाग रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो अब इनकी आई ओपनिंग वाली एनर्जी है। मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसे सडन सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिससे इनको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि मैं गलत कर रही थी या गलत कर रहा था, और उसके बाद ये भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने। यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कलेक्टिव। आज के दिन में इनके पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, लड़ाई, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, किसी तरह का इनको धोखा मिलना, इस तरह की एनर्जी है। हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड या फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आज जो सिचुएशन है ये इनकी, ये बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सिर्फ आप ही में इतनी पावर है जो आप इन्हें हील कर सको। तो ये आपकी तरफ आकर आपकी एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी लेना इन द सेंस आपसे बात कर सकते हैं, आपसे पॉजिटिविटी थोड़ी सी ले सकते हैं, और आपको बिल्कुल इनको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, इनको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो इन्हें एक अच्छे गाइड की तरह आपको गाइड करने की ज़रूरत है। सो ये है आज की एनर्जी, देखते हैं इसके बाद क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।